नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन वन कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू सी वन इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फोर वोल्ट या फोर वी वैन अर एर पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ एन टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू सी टू इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमें अब ये बताना है वैल्यू ऑफ सी टू इन टर्म्स ऑफ सी वन क्या होगी या कह लीजिए सी वन सी टू का रेशो बताना है या सी टू को इन टर्म्स ऑफ आपके सी वन के टर्म में कैसे लिखेंगे बताना है अगेन सवाल मुश्किल नहीं है हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे पर मुश्किल नहीं है और बेसिक्स अपने यहाँ क्लियर हो जाएंगे बहुत सारे इस सवाल से ना अगर ये हम कंसिडर करेंगे ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है कि आपने यहाँ पे सी वन कैपेसिटी के एन वन कैपेसिटा जैसे एक फोर वी की बैटरी पे लगा दी है राइट तो फोर वी की बैटरी पे यहाँ पे आपने लगाया ना इसका जो सी सीक्नेंट आएगा इसको हम लिखते हैं वन बाई सी इक्वलेंट विल बी इक्वल टू सीधा वैल्यू लिख लेते हैं तो इसका सी इक्वलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है सी वन डिवाइड बाई एन केस में जो हम एनर्जी को लिख सकते हैं अपनी एनर्जी वन uh, वो आ जाएगी uh, ये होती है हाफ़ सी इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर सो इसको आप लिखेंगे हाफ C1 वन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय फोर वी का स्क्वायर राइट सो आपकी इनिशियल एनर्जी ये हो गई या ये बन गया आपका फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा एट सी वन डिवाइड बाय एन ये हो गई हमारी एनर्जी इस केस में। ना इसके बाद हमने क्या किया एक और कॉम्बिनेशन बनाया जिसपे हमने कैपेसिटर लगाया सी टू और ये हमने एन का सी uh, टू के एन टू इन सब को लगाया हमने एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है ना इस केस में जो अपना सी इक्वलेंट होएगा सेकेंड केस में हम इसमें सी इक्वलेंट लिख सकते हैं एन टू मल्टीप्लाइड बाई सी टू और इस कॉम्बिनेशन का जो आपकी एनर्जी बन के आएगी एनर्जी uh, U2 होगा ये हाफ सी इक्वलेंट वी स्क्वायर सो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वलेंट यानी कि N2 C2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर अब हमें कहा गया है कि यू वन और यू टू बराबर है अब इसके बाद हम इन दोनों की केस को आ, इन दोनों को बराबर कर देंगे यानी कि हम लिख सकते हैं एट सी वन डिवाइड बाय एन वन विल बी इक्वल टू वन बाय टू एन टू सी टू वी स्क्वायर इसमें वी कहाँ गया यहाँ वी स्क्वायर भी आएगा है ना वी स्क्वायर हालांकि यहाँ से आपका ये वी टू उड़ जाएगा सॉरी वी स्क्वायर उठ जाएगा तो आपके सी टू की जो वैल्यू आई फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा सी टू विल बी इक्वल टू इससे डिवाइड कर देते हैं सो so, ये टू पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन सी वन डिवाइडेड बाय एन वन एन टू सो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सिक्सटीन सी वन डिवाइड एन वन एन टू वुड बी द राइट आंसर